स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे जहाज की, जो अपने समय का भाव से चलने वाला सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था, लोग इसे कभी न डूबने वाला जहाज भी कहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटेनिक शिप की। टाइटेनिक का पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? RMS टाइटेनिक, रॉयल मेल शिप। दोस्तों इसको बनाने वाला देश यूनाइटेड किंगडम था और इसके जो मालिक थे जे ब्रूस, इसमें उस समय व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक थे, जो उस समय सबसे बड़ी यूनाइटेड किंगडम की शिपिंग कंपनी थी। और जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस शिप को हॉलैंड और बोल्ट नाम की कंपनी के द्वारा बनवाया था। इसके कुल दोस्तों इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 882.9 इंच थी, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई उस समय 92 फीट थी, और इसकी अगर डेक की बात करें, इसकी ऊंचाई जो थी वो थी 175 फीट। ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय शिप को पूरा सीधा खड़ा कर दिया जाता तो उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ये ऊंचा था, मतलब उस समय इसके बराबर ऊंची कोई इमारत। तो टाइटेनिक शिप का सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि इसमें जो है 15,000 हॉर्स पावर की 4 चिमनियाँ लगी थी, मगर 3 में से ही धुआं निकलता था, क्योंकि क्योंकि एक चिमनी इसकी नकली थी, जिसे केवल इसको लुक देने के लिए बनाया गया था, जिससे कि अच्छा लगे और बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों टाइटेनिक शिप का जो इंजन था वो 46,000 हॉर्स पावर की जो है टॉर्क, दोस्तों इस जहाज की क्षमता 3,547 थी। जहाज में 416 सीट फर्स्ट क्लास की थी, 162 सीट सेकंड क्लास की थी, और 262 सीटें जो थी वो थर्ड क्लास की थी। इस जहाज के अगर क्रू मेंबर की बात करें तो इसमें 860 क्रू मेंबर थे, जो अन्य जहाज़ों की तुलना में सबसे अधिक थे। दोस्तों टाइटेनिक के अंदर का जो डिज़ाइन था वो लंदन के सबसे फेमस होटल रिज होटल से लिया गया था। दोस्तों इस जहाज की सबसे पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क के साउथहैम्पटन नाम की जगह से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। यात्रा को मनोरंजक बनाने के लिए जहाज पर अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का एक अखबार रोज प्रकाशित होता था, और ऐसा माना जाता है कि इस जहाज में 16 ऐसे कंपार्टमेंट थे जो पानी आने पर खुद बंद हो जाते थे, तो इसलिए लोग उस समय का कभी न डूबने वाला जहाज भी इसको कहते हैं। इसकी ये गारंटी थी कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। इस जहाज में उस समय 2,229 लोग यात्रा कर रहे थे, और यह माना जाता है कि इनमें से केवल 1,517 लोग ही बच पाए थे। यह जहाज 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया था। ये माना जाता है कि जब बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया था, जो क्रू मेंबर्स थे, जो कैप्टन थे, तो केवल 37 सेकंड बचे थे इसमें एक्शन लेने के लिए। अगर थोड़ा पहले दिखाई दे जाता तो शायद बच जाता। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस जहाज में एक दूरबीन भी थी, जो एक कमरे में रखी थी, जिसकी चाबी कहीं पर गुम हो गई थी। अगर ये दूरबीन पास में होती तो जो काफ़ी लोग बचाए जा सकते थे और इस घटना को टाला जा सकता था। टाइटेनिक को पूरा डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे, मतलब 2:20 पर यह पूरा डूब चुका था। इस जहाज में लाइफ बोटों की संख्या 64 थी, मगर उस समय केवल 20 ही मौजूद थी। कुछ लोग ये कहते हैं क्रू मेंबर्स जो है कुछ नाव को लेकर भाग गए थे, जिससे कि ज़्यादा लोगों की जान नहीं बच पाई। इस जहाज पर दोस्तों 64 लाइफ बोट थी, मगर उस समय केवल 20 ही ले जाई गई थी। अगर ये ज़्यादा होती तो जो है ज़्यादा संख्या में लोगों को बचाया जा सकता। तो आज की रोचक जानकारी थी हमारी टाइटेनिक शिप के बारे में, जो उस समय का भाव से चलने वाला सबसे लग्जरी शिप कहा जाता था, और जिसके बारे में एक फिल्म भी बनी हुई है। फिल्म तो आपने देखी हुई होगी। फिल्म को बनाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आया, इसमें जो है 3 टाइटेनिक बन जाते हैं, ये भी फैक्ट है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड दोस्तों टाइटेनिक पर एक फिल्म भी बन दोस्तों टाइटेनिक पर एक फिल्म भी बनी हुई है टाइटेनिक, जिसने अब तक सबसे ज़्यादा कमाई और सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। और दोस्तों टाइटेनिक पर आपने फिल्म दोस्तों टाइटेनिक पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों टाइटेनिक शिप पर बनी टाइटेनिक फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, और ऐसा कहा जाता है कि टाइटेनिक फिल्म बनाने में जितना खर्चा आया था उससे 2 टाइटेनिक बनाए जा सकते थे। तो आज की रोचक जानकारी हमारी टाइटेनिक शिप के बारे में थी, द RMS शिप, रॉयल मेल शिप के बारे में थी। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास। जय हिंद, जय भारत।